महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन बहुत ही मेहनती थे। बचपन में उन्हें यह कहकर स्कूल से निकाल दिया गया कि वह मंद बुद्धि बालक हैं। उसी थॉमस एडिसन ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए, जिनमें से बिजली का बल्ब प्रमुख है। उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने के लिए हजारों बार प्रयोग किए, तब जाकर उन्हें सफलता मिली थी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी के बारे में। सो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बल्ब के आविष्कार से पहले लोग रोशनी के लिए आग जलाते थे। 18वीं सदी में कैंडल्स और तेल से बनाए गए चिराग को इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। इसके बाद करीब 19वीं सदी में के शुरुआत में गैस से बने बनाए गए लैंप्स को इस्तेमाल करना शुरू किया गया था। बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि बल्ब के आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया है। थॉमस एडिसन से पहले भी काफ़ी लोगों ने इस आविष्कार के लिए मेहनत किया था। उन सब पहले किए गए बल्ब के आविष्कार को देखकर एडिसन ने मॉडर्न बल्ब का आविष्कार किया था। सो चलिए हम लोग जानते हैं कि किस तरह से बल्ब के आविष्कार की रोचक तथ्य के बारे में। सो गाइस, साल 1800 में एलेसोडारो वोल्टा ने पहली बार जिंक और कॉपर को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके उन्होंने इलेक्ट्रिक बैटरी वोल्टिक पाइल को बनाया, जिसके दोनों तरफ एक कॉपर वायर से कनेक्ट किया था। यह कॉन्टीन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट का सबसे पहला नमूना था। वोल्टा के आविष्कार के बाद इंग्लैंड के रहने वाले हम्फ्रे डेवी ने साल 1802 में कार्बन रॉड को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक आर्क लैंप को बनाया था। इस आर्क लैंप से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही थी, जिसे स्ट्रीट लाइट की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन घर के लिए इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था। 1840 में ब्रिटिश साइंटिस्ट वॉरेन डी ला रू ने प्लैटिनम फिलामेंट का इस्तेमाल करके बल्ब को बनाया, लेकिन प्लैटिनम इतना महंगा होने के कारण इसे इस्तेमाल नहीं किया गया था। अब इसके बाद अलग अलग तरीकों से साइंटिस्ट ने बल्ब को बनाना शुरू किया, लेकिन सभी में एक प्रॉब्लम थे, या ये बहुत देर तक जल नहीं पाते थे। बल्ब के हाई रेजिस्टेंस वाला एलिमेंट चाहिए था। जितना पतला एलिमेंट उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता उतना ही फिलामेंट जलता और कम करंट का इस्तेमाल होता। अगर फिलामेंट मोटा होता तो करंट ज़्यादा इस्तेमाल होता और ज़्यादा रोशनी दे नहीं पाता। 1874 में हेनरी वुडवर्ड और मैथ्यू इवॉन ने मिलकर नाइट्रोजन से भरा बल्ब और अलग अलग साइज के कार्बन रोड्स को इस्तेमाल करके बल्ब को बनाया था। ये बल्ब पिछले बल्ब्स के काफ़ी हद तक अच्छा था, लेकिन ये दोनों इस बल्ब का एडवर्टीजमेंट ठीक से नहीं कर पाए और 1879 में इस आविष्कार के राइट्स यानी कि थॉमस एडिसन को बेच दिया गया था। इसी दौरान इंग्लैंड के जोसेफ स्वान ने खुद से बल्ब का आविष्कार करना शुरू किया, लेकिन 1878 में स्वान कार्बन रॉड और वैक्यूम बल्ब को इस्तेमाल करके बल्ब बनाया, लेकिन कार्बन रॉड में कम रेजिस्टेंस होने के कारण ज़्यादा करंट इस्तेमाल होता था। सो 1880 में स्वान ने कॉटन के धागे का इस्तेमाल करके बल्ब बनाया, जिसका उन्हें पेटेंट भी मिला था। अब दूसरी तरफ एडिसन और उनकी टीम 1878 से 80 के बीच 3000 से भी ज़्यादा बल्ब डिजाइन कर टेस्ट किया, क्योंकि बल्ब को बहुत देर तक ऑन रहने के लिए हाई रेजिस्टेंस मटेरियल चाहिए था। इसलिए एडिसन अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि अपने टीम के मेंबर की दाढ़ी का बाल भी इस्तेमाल किया था। सो एडिसन ने 6000 से भी ज़्यादा पौधों को
फिलामेंट के लिए टेस्ट किया और कुछ महीने बाद 1879 में कार्बनाइज्ड बैम्बू फिलामेंट का इस्तेमाल करके इंसिडेंस्ड बल्ब का आविष्कार किया जो 1200 घंटों से ज़्यादा रोशनी देती। इसी साल में एडिसन को इस आविष्कार का पेटेंट भी मिल गया था। सो इस तरह से गाइस बल्ब का आविष्कार होता है और आज आप जानते हैं कि हम लोग या पूरा विश्व जो है आज इनके आविष्कार के फलस्वरूप रात में भी उजाले का आनंद ले पा रहे हैं। सो गाइस आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल पे अगर नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। सो मिलते हैं ऐसी ही नई रोमांचक वीडियो के साथ। सो आज के लिए इतना है। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।